उस वक्त मैदान में मौजूद हर कोई ये नजारा देख आश्चर्यचकित रह गया जब नीतीश कुमार रेड्डी अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने के बाद सबसे पहले हेड कोच गौतम गंभीर के पास पहुंचे और उनके सम्मान में कुछ ऐसा कर डाला जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय टीम की शुरुआत देखकर लग रहा था कि टीम इंडिया मुश्किल से 150 रनों को टच कर पाएगी, पर जैसे ही नीतीश कुमार रेड्डी पहुंचे गेम का रुख ही बदल गया। चौके और छक्कों की ऐसी बरसात देखने को मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर भारत को 221 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वहीं जब टीम इंडिया बॉलिंग करने उतरी वहां भी नीतीश ने 2 विकेट झटके। उनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड चुना गया। नीतीश रेड्डी जानते थे कि यदि गौतम गंभीर ना होते तो शायद उन्हें यह मौका कभी नहीं मिलता। इसी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड गौतम गंभीर को समर्पित कर दिया। वैसे आपको ये खूबसूरत नज़ारा कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।